नमस्कार, मैं मुकेश वत्स पब्लिक एशिया में आपका स्वागत करता हूं। खबर है उत्तर प्रदेश से, जहां पर वायरल फीवर के कई मामले सामने आए, कई बच्चों की मौत हो गई, उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश में स्कूलों को खोल दिया गया। देखिए हमारे संवाददाता प्रदीप पंडित की बुलंदशहर से खास रिपोर्ट। खुर्जा नगर में बने लाल बहादुर शास्त्री जूनियर हाई स्कूल की हालत बिल्कुल जर्जर है। योगी सरकार द्वारा पहले से स्कूल खोलने के आदेश दिए गए, लेकिन शिक्षा विभाग ने स्कूल में साफ सफाई और बच्चों की सुविधा के लिए कोई बेहतर इंतजाम नहीं किए, जो तस्वीरों में साफ दिख रहे हैं। स्कूल परिसर में जल भराव होने के कारण मच्छर पैदा हो गए, जिससे बीमारी होने का खतरा बना हुआ है। बच्चों की सुविधा के लिए बने शौचालय तले पड़े हैं, जबकि स्कूल परिसर में लटक रहे बिजली का नंगा तार अनहोनी को दावत दे रहा है, और शौचालय जाने के लिए बच्चों को बिजली के इस नंगे तार के नीचे से होकर गुजरना पड़ेगा। मासूम बच्चे जागरूक नहीं हैं। अधिकतम बच्चे बिना मास्क और सामाजिक दूरी के क्लास में बैठे हैं। सैनिटाइजर के बारे में बच्चों को पता तक नहीं है, जबकि कई बच्चों को अभी तक ड्रेस उपलब्ध नहीं कराई गई। कक्षा 1 से 8वीं क्लास के एक बच्चे की एक ही क्लास में बैठकर पढ़ रहे हैं, जबकि बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा शिक्षा मित्रों पर है, क्योंकि विद्यालय में शिक्षकों की भारी कमी है। स्कूल की हालत और बच्चों की बेहतर सुविधा के लिए जब महिला शिक्षा मित्र सुल्ताना से पूछा गया, तो देखिए शिक्षा विभाग और बुलंदशहर प्रशासन पर किस तरह के गंभीर आरोप शिक्षा मित्र की तरफ से लगाए जा रहे हैं। अब एक तरफ योगी सरकार बच्चों को बेहतर शिक्षा मुहैया कराने का दावा करती है, तो वहीं दूसरी तरफ बुलंदशहर शिक्षा विभाग योगी सरकार की आदेश की धज्जियां उड़ाती नजर आ रही है। सुल्ताना मैम, स्कूल में पानी भरा हुआ है, गंदगी है, कैसे बच्चों के लिए बीमारी की दावा दी है? सर, इसकी तो कई बार रिपोर्ट भी की थी ऑफिस में, पर कोई सुनवाई नहीं होती, और ये नगर पालिका तरफ से ये बाउंड्री टूटी हुई पीछे से, तो उसका ही पानी वो यहीं छोड़ देते हैं, और कई बार मना करने के बावजूद भी मानते नहीं। मैम, कितने बच्चे हैं स्कूल में और आप कितने टीचर हैं? सर, मैं यहाँ अकेली हूँ और 200-250 के लगभग बच्चे हैं, क्योंकि अब एडमिशन भी हो रहे हैं, तो हो सकता है कुछ और हो जाए। मैम, कहीं देखा जा रहा है कि एक ही क्लास में बच्चे बैठे हैं, तो कैसे पढ़ पा रहे होंगे बच्चे? सर, अब क्लास भी हैं यहाँ पर, लेकिन मैं अकेली होने की वजह से एक ही क्लास में, अभी फिलहाल पहला दिन है तो कम बच्चे आए हैं, तो इसलिए उन्हें एक ही क्लास में बैठा रखा। जब एक साथ पूरे बच्चे आ जाते होंगे तो बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है उसके लिए। सब क्लास देखनी पड़ती है, फिर ऑफिस का ही वर्क है, वो सब देखना पड़ता है। बच्चे कैसे समझ पाते हैं कि मतलब कैसे कैसे पढ़ाते हैं आप? वो तो मतलब सर, एक ही साथ कक्षा 1 से लेकर 8 तक के बच्चे एक साथ बैठते हैं जी, कैसे पढ़ाते हैं आप? सर, वो तो बोर्ड पर काम दे दिया, उन्हें पढ़ा दिया, करना पड़ता है थोड़ा बहुत समय निकाल कर, बच्चों के लिए भी सोचना पड़ता है कि बच्चे आते हैं, गरीब बच्चे हैं, हमारे लिए ही आते हैं स्कूल के अंदर, तो इस वजह से उन्हें थोड़ा बहुत पढ़ाना पड़ता है जितना भी टाइम निकलता है। सारा समय बच्चों को ही दिया जाता है उस समय, ऑफिस का काम छोड़कर। स्कूल प्राइमरी स्कूल खुलने का आदेश दिए, किस तरह की व्यवस्था की गई आपकी तरफ से? सर, व्यवस्था सही है हमारे स्कूल की, सभी बच्चों को सैनिटाइजर की व्यवस्था है, यहाँ पर हैंड वॉश की व्यवस्था है, और थोड़ा मौसम ख़राब होने की वजह से सर यहाँ पर बारिश का पानी भरा हुआ थोड़ा सा, मगर यहाँ बाउंड्री वॉल ना होने की वजह से बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये यहाँ की साफ सफाई और इसकी बाउंड्री वॉल की जिम्मेदारी किसकी है? सर, हमने बाउंड्री वॉल के लिए भी बेसिक शिक्षा अधिकारी को भी लिखा, हमने सर हमने SDM महोदय जी को भी लिखा, हमने अधिशासी अधिकारी को भी लिखा, मगर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या आपको पहले से पता थी कि सरकार ने आदेश दे दिए हैं स्कूल खुलने के? सर, स्कूल खुलने के पहले से हमें पता था कि 1 तारीख से स्कूल हमारे खुलने हैं। फिर साफ सफाई की व्यवस्था आज ही क्यों की जा रही है जबकि स्कूल आज? सर, साफ सफाई की व्यवस्था आज ही नहीं, पहले से ही होती आ रही है, हम रेगुलर पहले से ही आ रहे हैं, हम आज बच्चे आए हैं मगर स्टाफ पहले से रेगुलर आता जा रहा है। आप देख रहे हो कि फिरोजाबाद में, गोरखपुर में जी, काफी बच्चे पानी में गंदगी की वजह से, मक्खी मच्छरों की वजह से बीमारी से मौत हो रही है, स्कूल में पानी भरा हुआ है। सर, पानी की मैं बताता रहा हूँ, पहले से ही व्यवस्था नहीं है इसमें, क्योंकि पानी का निकास सड़क का पानी पूरे स्कूल के अंदर आ रहा है, व्यवस्था इसमें बाउंड्री वॉल न होने की वजह सबसे ज्यादा व्यवस्था यही इस माध्यम चरमरा रही है। नहीं, अब बाउंड्री वॉल हो गए तो होती तो इस पर पानी के बाहर का सड़क का पानी स्कूल में अंदर नहीं आता, इस वजह से पानी थोड़ा भरा हुआ, नहीं 1-2 दिन में पानी सब सूख जाएगा, व्यवस्था सही हो जाएगी बिल्कुल। ताजा और रोचक खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहें हमारे साथ, और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, नीचे दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।